हेलो जी, आज हम लोग पॉल मर्फी जो कि एक अमेरिकन प्लेयर थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम्स खेले थे उन्होंने एक एक टाइम पे। और फर्स्ट ऑफिशियल जो वर्ल्ड चैम्पियन था विलियम स्टेनीज, उसके पहले का जो चेस का एरा था जिसमें कि एंडरसन मर्फी, इन लोगों के जो गेम्स है वो बहुत ही ब्रिलियंट थे। इवन बाद के जो प्लेयर आए, इवन फिशर और कस्परों ने, उन लोगों ने भी उनके गेम को बहुत सराहा और सबने उन गेम्स को बहुत ही डीपली एनालाइज भी किया। हम लोग अपनी वे में उनको उनके गेम्स को देखने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सीरीज में एक्चुअली मेरी कोशिश यही रहेंगी कि पुराना जो चेस था, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉल मर्फी, एंडरसन और उस टाइम जो और भी बाकी कुछ अच्छे प्लेयर्स थे, विलियम स्टेनिस को भी हम डेफिनेटली कवर करेंगे, जुकरटॉट, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे उनको हम कवर करने वाले हैं। सो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। और पहला जो गेम था वो मैंने सेलेक्ट किया कि पॉल मर्फी और अर्नेस्ट मर्फी, जो कि उनके एक्चुअली अंकल थे पॉल मर्फी के, और दोनों के बीच बहुत सारे ट्रेनिंग गेम्स भी हुए। ये भी एक एक हिसाब से ट्रेनिंग गेम ही था जो कि 1849 में खेला हुआ था। e4, e5, Nf3, Nc6, Bc4, Bc5, c3। हर एक दौर में इस पर्टिकुलर ओपनिंग में जब से भी चेस थोड़ा अपडेट होने लगा है, ये डेफिनेटली आपको ओपनिंग दिखेंगी ग्रेकोपियानो, या जिसको हम लोग इटालियन गेम भी बोलते हैं। उसके अलावा b4 भी खेला हुआ था जो कि इवांस गैम्बिट है बहुत सारे गेम्स में मर्फी के द्वारा, बट c3 खेला, d6, एक्चुअली Nf6 इज द मेन लाइन हियर, Nf6, d4, टेक्स टेक्स, Bb4, और यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे कि Bd2 इज द मेन लाइन और Nc3 भी खेलते हैं। Nc3 उतना स्ट्रांग नहीं है, बट Bd2 जो है वो एक्चुअली मेन लाइन है, टेक्स और d5। इस पॉन एक्सचेंज के बाद नाइट इन टू d5, और ब्लैक इस बात के लिए हैप्पी रहता है कि ये जो पॉन है वो आइसोलेट हो चुका है, और एक बार अगर उसका कैसल हो गया तो डेफिनेटली ये पोजीशन ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इसको इक्वली मानूंगा कि इसमें ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है फिलहाल। सो यहाँ पर Qb3, Na5, Qa4, Nc6 की एक रेपिटेशन हो सकता है। अगर आपको रेपिटेशन नहीं करना है तो Qb3 को Nc7 भी जा सकते हैं, जिसमें कैसल कैसल, और ये एक्चुअली ग्रेकोपियानो या इटालियन गेम का जो मेन लाइन है वही है। लेकिन गेम में उन्होंने वो खेला नहीं, Nf6 और d6 खेला, d6 कैसल, Nf6 t4। डेफिनेटली मर्फी के अगर हम गेम्स देखेंगे तो जितने भी मैंने पैटर्न्स देखे थे उनमें से एक ये था कि डेवलपमेंट जल्दी से कंप्लीट करो, अपने पीसेस को गेम में क्विकली इंट्रोड्यूस करो, और फिर उसके बाद जो भी ब्रेक्स दे सकते हैं हम उनको दे सकें। तो d4, cd4, ed4, c कट d4, Bb6। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि व्हाइट का कैसल हो चुका है, जिसमें उसका किंग बहुत सेफ है। ब्लैक अभी भी ओके, कैसलिंग इज रेडी, बट फिर भी किंग सेंटर में, और e5 बहुत स्ट्रांग मूव लग रही है हमेशा, लेकिन फिर भी इमिडिएटली e5 शायद नहीं चल रहा है। तो वाइट ने इधर h3 खेला, और आफ्टर h6 ऐसे मूव्स नॉर्मली आजकल सबको पता है कि जब किंग सेंटर में होता है तो ऐसे लूज मूव्स नहीं देने चाहिए जिनमें कोई इफेक्टिव सोर्स नहीं है इधर। सो Nc3 खेला, कैसल, नाउ Be3, Re8, d5। फाइनली वाइट ने डिसाइड किया कि d5 खेल के और फिर उस पोजीशन को खेलते हैं, Bb3, Dc6। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिशप पे थ्रेट है e3 पे, सो Bc6 इज नॉट पॉसिबल, Bb6, e5, और ये पहला सिचुएशन था जहाँ से कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। अदरवाइज मे भी शायद ब्लैक एक्सपेक्ट कर रहा था कि Cb7, Bc7 के बाद ये पोजीशन में e4 पे थोड़े इश्यूज बन सकते हैं, और ये दोनों बिशप पेयर जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ Cb7 वाइट ने e5 खेला,
जो कि एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूएशन था, टेक्स क्वीन बी थ्री। अब ये आप देख सकते हैं कि एफ सेवन थोड़े टारगेट है यहाँ पे, रुक ए डी वन पॉसिबल है जिससे इस क्वीन को थोड़े इश्यूज बन सकते हैं, और क्विकली वाइट ने डेवलपमेंट कंप्लीट करके कुछ टारगेट्स बना लिए हैं। सीक्रेट बी सेवन इज ऑलवेज देयर, बट उसको मार के बिशप बी सेवन अलाउ करना इज नॉट गुड। सो रुक ई सेवन खेला, और यहाँ पर आप थोड़ा रुक के देख सकते हैं कि कोई ऐसा कंटिन्यूएशन है क्या जिसमें वाइट के पास एक स्ट्रॉन्ग वे रहे जिसमें कि वो इस पोजीशन को कंटिन्यू करे। पुराने गेम्स में एक एक बात बहुत अच्छी रहती थी कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता था। जितने भी गेम्स हुए थे पुराने, स्पेशली मैंने जब पहली बार माई ग्रेट प्रेडेसेसर का पहला वॉल्यूम चेक किया था, तो तब मुझे लगा कि ये इन गेम्स में बहुत ज़्यादा सीखने लायक है। एक्चुअली गेम्स हमको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन उनको एनालाइज करना और उनको अपने अपने तरीके से देखना एक बहुत इम्पोर्टेंट है हर चेस प्लेयर को, तभी उसका जो चेस है वो डेवलप हो सकता है। और डेफिनेटली हम लोग टैक्टिक्स एंड गेम और बाकी सब चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं, बट पुराने जो क्लासिक गेम्स हैं उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग गेम विंडो पे जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिशप इनटू एफ सेवन एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन था, क्योंकि जैसे ही आपने रुक इनटू एफ सेवन मारा विच इज़ ऑलमोस्ट फोर्स, तो एन ई फाइव आ रहा है जिसमें आपको दो पॉन मिल रहे हैं और एक एक्सचेंज मतलब एक रुक मिल रहा है फॉर टू माइनर पीसेस। लेकिन बात यहाँ तक नहीं थी, क्योंकि जो मर्फी ने देख लिया था वो बहुत ही स्ट्रांग था एक्चुअली, क्योंकि क्वीन ई एट के बाद कोई भी किसी को भी लगेगा कि नाइट कट एफ सेवन क्वीन कट एफ सेवन मार के खेलेंगे, लेकिन वो एंडिंग एक्चुअली इतनी स्ट्रांग नहीं है वाइट के लिए, क्योंकि ब्लैक के पास अभी भी डबल बिशप है। मतलब अगर आप एक्सचेंज करके और ये मार के खेलेंगे तो भी ब्लैक के पास डबल बिशप है, सो इसमें आप बोल नहीं सकते कि वाइट के पास कोई विनिंग एडवांटेज है। आपके पास सिर्फ एक रुक और एक पॉन है फॉर टू माइनर पीसेस, जो कि ब्लैक के लिए हेल्दी है। सो सीक्रेट बी सेवन मारा, टेक्स फोर्स्ड है, रुक ए ई वन। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो थ्रेट है वो है नाइट जी सिक्स, और उस कंडीशन में इसको हटना पड़ेगा और फिर रुक ई सेवन आके ये टारगेट है। मतलब थोड़ा डीप देखा था मर्फी ने एक्चुअली बिशप इनटू एफ सेवन के टाइम पे भी, बिशप ए सिक्स खेला ब्लैक ने, डेफिनेटली एफ वन को टारगेट कर रहा है ब्लैक। नाइट जी सिक्स बहुत ही स्ट्रांग मूव था, क्वीन डी एट ये एक्चुअली मिस किया था। ऑब्वियसली होता ऐसा है कि पुराने जो दौर के गेम्स थे उनमें जो डिफेंसिव स्किल्स थी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी जो कि आजकल के प्लेयर्स में है। तो आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से एक्टिविटी है वाइट के पास, बट फिर भी डिफेंस था अगर हम लोग बहुत ही अच्छे से देखें तो। तो गेम में एक्चुअली क्वीन डी एट खेला था ऑनेस्ट मर्फी ने, लेकिन यहाँ पर एक मूव था बिशप इनटू एफ टू जो कि बहुत ही सही मोमेंट पे आ रहा था, और ये एक्चुअली ओनली मूव था ब्लैक के लिए अगर उसको गेम में रहना है तो, क्योंकि नाउ किंग इनटू एफ टू इज फोर्स्ड और रुक बी एट आ रहा है जिसमें कि रुक ई एट चेक टेक्स, और ये डिस्कवर्ड चेक शायद से मिस हुआ हो उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर डबल थ्रेट है, क्वीन पे मार रहा है और तो डेफिनेटली हमको क्वीन वापस मिलने वाला था। क्वीन एफ सेवन, किंग एफ सेवन, नाइट ई फाइव चेक, यहाँ पर मटेरियल इक्वल हो गया है, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था ब्लैक के लिए और ब्लैक आराम से इसमें खेल सकता था। इवन कुछ कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि ब्लैक इज स्लाइटली बेटर। सो पर गेम में ये हुआ नहीं और बिशप इनटू एफ टू मिस किया ब्लैक ने, और क्वीन डी एट खेला जिसमें रुक ई सेवन आ गया, और डेफिनेटली अब आप देख सकते हैं कि जो रुक है एफ सेवन का उसको कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, और इवन आप अगर बिशप इनटू एफ वन मारोगे भी तो भी चेक और क्वीन इनटू जी सेवन मेट हो रही है, अदरवाइज आपको क्वीन देनी पड़ेगी क्वीन एफ एट। तो यहाँ पर ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। तो पुराने गेम्स में सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ 20 मूव्स में गेम कंप्लीट हो गया। आजकल बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो 20-20 25 मूव तक ओपनिंग थियरी चलती रहती है, तो
कुछ क्रिएटिविटी थी वाइट ने बहुत ही स्ट्रांगली बिशप इनटू f7 के बाद ये सब डिक्लेयर किया रुक e1 और रुक e7 और भी गेम्स हम देखेंगे जितना हो सकता है कि पुराने जो भी प्लेयर्स थे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मर्फी के एरा के जो भी प्लेयर्स थे स्पेशली एंडरसन और मर्फी मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं उस टाइम के जितने भी गेम्स हुए थे तो उनको हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे इंटरेस्टिंग गेम और देखते रहें सो मिलते हैं बहुत जल्दी जैसे भी हो सकता है सो और मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में मैं आपको कुछ जो अच्छे फेमस जो बुक्स हुए हैं चेस में क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोगों को पता नहीं होता है कि क्या फॉलो करें क्या कहीं से गाइडेंस स्पेशली बहुत सारे ऐसे सिटीज से प्लेयर आते हैं जहाँ पे बहुत दिक्कत होती है उनको रिसोर्सेज इतने होते नहीं हैं पर इंटरेस्ट बहुत होता है पैशन बहुत होता है लगन बहुत होती है मेहनत करने की बहुत कोशिश करते हैं वो लोग तो मेरी ये सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए भी मैं बताते रहूँ पुराने गेम्स में एक माइग्रेट प्रेडेसेसर जो कि मैंने अभी इसमें चेक किया था तो अमेज़ॉन पे बहुत कम इस पे भी अवेलेबल था प्राइस पे हालांकि उस बुक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम वन में चार जो है वर्ल्ड चैम्पियन पहले स्टार्टिंग फ्रॉम विलियम स्टेनिस टू अलेखाइन ये पहले जो चार प्लेयर हैं तीन चार प्लेयर हैं उनको कवर किया और उसके पहले का भी जो एरा था यानी मर्फी एंडरसन इनको भी कवर किया तो वो एक बहुत अच्छा बुक है अगर पुराने प्लेयर्स को और बहुत डीप एनालिसिस किया हुआ है बहुत बहुत जगह पे बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए हैं तो वो एक आप देख सकते हो और डेफिनेटली हम नए वीडियोस और देखेंगे सो मिलते हैं बहुत जल्दी बाय